नमस्कार, इस वक्त हम मौजूद हैं लखनऊ में अम्बेडकर पार्क के सामने। आज बाबा साहब की 131वीं जयंती है और यहाँ पे बाबा साहब की जयंती सफल करने के लिए यहाँ पे जो है जलकल विभाग के लोग जो है स्टॉल लगाकर यहाँ पे भोजन के रूप में व्यवस्था दे रहे हैं। उनसे बात करने की कोशिश करेंगे, ये लोग कहाँ से इनको प्रेरणा मिलती है इस तरह का जो व्यवस्था देते हैं। इधर देखिए खाना पीना का व्यवस्था दे रहे हैं, तो इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ में आयोजक महोदय जी हैं, क्या कहेंगे सर, कहाँ से प्रेरणा मिलती है इस तरह का कार्यक्रम के लिए? सर, प्रेरणा तो हम लोगों को जन्मजात है और जो कुछ भी दिया है बाबा साहब की देन है। आज जो कपड़े पहने हैं बाबा साहब ने दिया है और उन्हीं का है, उनके लिए जो भी करना पड़े हमको हम लोग करते हैं। जल विभाग से ये जो खाने की पीने की जो व्यवस्था है, कहाँ कहाँ से लोग आए हैं आपके संगठन से? हमारे संगठन से नगर निगम लखनऊ और जो भी लखनऊ की जनता है बाबा साहब को मानने वाली, जितने भी आते हैं वो खाते हैं और अपना आनंद लेते हैं, स्मारक घूमते हैं। तभी किस रेंज में आप खाना का व्यवस्था कर रहे हैं, कितने लोगों के लिए? टाइम से अभी शुरुआत हो जाएगी और 11 बजे रात तक हम चलाएंगे। तो कितने हजार है, कितने लोगों के लिए? अभी इसका अंदाजा नहीं है कि लाख है, और जितने लोग आ जाएंगे सुबह 10-11 बजे शुरुआत करके 11 बजे को समापन करते हैं हम लोग। 11 बजे जब जनता नहीं आती है तब समापन। अभी खाने के बाद लैया चना है, शरबत है और ठंडा पानी है, ये सब व्यवस्था है। लोग व्यवस्था कर रहे हैं, इसका मैनेजमेंट कहाँ से होता है सर? हम खुद ये सब कर्मचारियों के फंड से होता है। कर्मचारी अपने जो दिहाड़ी मिलती है, जो वेतन मिलता है, उससे जो है ये अपने खून पसीने की कमाई से ये किया जाता है। किसी कहीं कोई फंडिंग नहीं है, ये अपनी स्वयं की व्यवस्था है। जो यहाँ पे आप स्टॉल लगाए हैं, क्या इसका भी पैसा या रुपया कुछ देना पड़ता है, लाइट बिल का खर्चा? हाँ, नहीं, उसको देना पड़ता है, उसको नगर निगम को जो है देना पड़ता है। ये जो पंडाल लगाए हैं उसका भी खर्चा देना पड़ता है, लाइट का भी देना पड़ता है। यहाँ पे कितनी भीड़ हो जाती है? यहाँ पे तो सामने अम्बेडकर पार्क, यहाँ लाखों की भीड़ होती है। अभी तो शुरुआत है और लोग स्वयं चल के आते हैं, कोई खरीद के नहीं आते हैं, कोई फंडिंग करके नहीं आते हैं। ये बाबा साहब की श्रद्धा है, बाबा साहब के विधान के जो है हम लोग अदा नहीं कर पा रहे हैं। जो बाबा साहब गरीब जनता के लिए, हर जनता के लिए, हर समुदाय के लिए जो किया है, तो हम उनके आजीवन ऋणी रहे हैं। हम उनके श्रद्धा के लिए यहाँ पर लोग आते हैं, दूर दराज से लोग आते हैं, अपने पैसा खर्च करके आते हैं और अपनी श्रद्धा से लोग आते हैं। तो जिस तरह से सर यहाँ पे खाने और पीने की व्यवस्था की गई है, यहाँ पे लाखों की भीड़ होती है। जी जी, अगर माना जाए तो एक तरह से कहा नहीं जा सकता, क्या कम व्यवस्था तो नहीं होती? बहुत अधिक व्यवस्था होती है और हम लोग चाहते हैं अधिक से अधिक लोग आए, और आते भी हैं लोग जिनके जिनका बाबा के प्रति श्रद्धा है, आते हैं। और यह कार्यक्रम आज ऑटोमेटिक ऐसा होता है, खर्च कमे नहीं पड़ता है, चाहे जितना हम लोग लगा दें वो कमे रहता है। क्या नाम है सर? महेंद्र कुमार। इसके बारे में मैं ये कहना चाहता हूँ, जो इसमें लिखा गया है, मेनता जो प्राइवेट सेक्टर को जो है, पीछे आ जाओ थोड़ा, प्राइवेट सेक्टर को जो बढ़ावा दिया जा रहा है उस पर फोकस किया गया है, प्लस मनुवाद वर्सेस संविधानवाद, संविधान को जो है हम लोगों ने प्रमुखता दिया है इसमें, कि अगर मनुवाद पे हावी जो हो रहा है इधर कुछ दिनों से, उस पर ब्रेक लगनी चाहिए। तो इन चीज़ों पे जो है फोकस किया गया है, प्लस जो प्रताड़ना है, जो पीड़ित समाज है, जो शासक और शोषित जातियां हैं, इनमें जो बिखराव बढ़ रहा है इसको कम करने की कोशिश की है। हम भारतीय मूलता और एकता जो है होनी चाहिए समाज में, लेकिन इधर बिखराव बढ़ा है। किताब का क्या नाम? इनका नाम तो आरक्षण के विभिन्न संवैधानिक प्रावधान और वंचित वर्ग है। तो बिना आरक्षण एक तरह से परितोषण है, जो समाज में प्रताड़ना रही है उसके खिलाफ जो है उसको भरपाई के लिए ये एक तरह से जो है आरक्षण की व्यवस्था की गई है। तो जब तक असमानता रहेगी समाज में तब तक जो है आरक्षण रहना चाहिए। असमानता खत्म हो जाए, आरक्षण अपने आप ही खत्म हो जाएगा। जो प्रभुत्व वर्ग है, जो शासक जातियां हैं, उसको इस पे फोकस करनी चाहिए कि कम से कम जो है इस पे ध्यान दें कि असमानता खत्म हो। जो शासित जातियों पे जो अत्याचार होता है, जो अन्याय होता है, वो खत्म हो, अपने आप समाज में समानता आएगा, जो बाबा साहब का सपना है। तो अपने आप ही जो आरक्षण बाद में चल के ख़त्म हो सकता है, लेकिन उसके लिए ग्राउंड बनाना पड़ेगा अभी से। लेकिन ग्राउंड बनाने की वजह उल्टा होता जा रहा है, ये निजीकरण जो है वो एक तरह से आरक्षण को ख़त्म करने की साजिश है।
इसमें यह फोकस किया गया है। ठीक है, यहाँ पे जलकल विभाग के लोग थे, यहाँ पे हमने बात किया, इनके तरफ से जो है लखनऊ के लोग हैं, इनके तरफ से जो यहाँ मेले में आते हैं लोग, जो बाबा साहब की जयंती को सफल बनाने के लिए आते हैं, उनके लिए खान पीन के लिए व्यवस्था की है इन्होंने, चाहे वो पानी हो, चाहे खाने हो, सब्जी पूड़ी कोड़े जो भी है, लाई चना सब चीज़ का व्यवस्था कर